तो आज इस वीडियो में अपना जो सुजुकी का कंपनी का माइक है उसे ऑन करने जा रहे हैं एंड्रॉयड प्लेयर के साथ, जो कि आफ्टर मार्केट आता है। ये माइक की वायर है, हमने इसको यहाँ से कट कर लिया है और इसमें हम कुछ ज़्यादा वो नहीं करेंगे, इसमें ऐसा कनेक्टर लगाएंगे ताकि हम इजीली वो कर सकें। देखिए ऐसे माइक की वायर होती है, इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया है और यहाँ पर हम ये एक्सटर्नल मेल फीमेल कनेक्टर लगाएंगे ताकि जो ओरिजिनल वायरिंग है वो ख़राब ना हो। अभी देखिए इसको मैंने यहाँ से छील दिया है यहाँ से, और थोड़ा सा यहाँ से छील देते हैं इसको थोड़ी दूरी पर ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल ना सके, और ऐसे ही हम इसको छील लेंगे। हम इस पे सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करने के लिए मैंने आयरन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इतना शोल्डर कर देंगे, फिर अपनी वायर को कर देंगे। ये कनेक्टर आपको इजीली मिल जाएंगे, 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में आता है मेल फीमेल। हम इसको अच्छी तरीके से सोल्डर करेंगे। सोल्डर करने के साथ जोड़ के ऊपर से फिर सोल्डर कर देंगे। रेड वाली को रेड के साथ सोल्डरिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो जोड़ है वो मजबूत हो जाए, और इसमें क्योंकि माइक की वायर है ये अगर लूज रहेगी तो प्रॉपर ऑडियो जा नहीं पाएगी। इसको सोल्डर कर लेंगे। सोल्डर करने का मतलब इसमें ये फीमेल कनेक्टर था और ये इसका मेल कनेक्टर है। देखिए इस तरह अभी क्या होगा, हमारी वायरिंग भी खराब नहीं हुई और अब हम इस पे टेप करेंगे।
इसके साथ इसको एक टेप का रोल कर देंगे ताकि क्योंकि वायर मजबूत हो जाए। तो ये हमारी माइक की एक्सटर्नल शुरू हो गई। और अगर वैसे हम यूज़ करना चाहें जो इसके साथ माइक आता है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल पिन हमारी निकल गई है। अभी क्या होता है कि कंपनी का जो माइक है उसमें पिनें लगी हुई हैं, हम उसकी पिन बनाने के लिए हमें ये एक ये जो है तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे पिन्ने घुसते हैं तो हम पिनों के लिए इसी को यूज करेंगे। इसको बिल्कुल इसे शार्प वो कर देंगे और इस पर सोल्डर कर देंगे ताकि ये इजीली उसमें घुस सके। सोल्डर करने से थोड़ी हार्ड हो जाएगी और मुड़ेगी नहीं। एक रेड वाली पिन प्रॉपर हार्ड हो गई है लेकिन ब्लैक वाली में थोड़ा टाइम लगेगा। कई बार ये पुराने होने की वजह से इनमें कार्बन आ जाता है जिसपे सोल्डर पकड़ नहीं पाता। देखिए मैंने इसे प्रॉपर तरीके से सोल्डर कर दिया, अब ये हार्ड हो गई है, पिन की तरह ही काम करेगी। क्योंकि जो कंपनी का माइक होता है उसकी फ्रिक्वेंसी इसलिए अच्छी होती है, उसमें 5 वोल्ट दी जाती है और उसके अंदर एक प्री एम्पलीफायर लगा होता है जो कि हमारी ऑडियो को और बूस्ट करके भेजता है। तो उसके लिए हमें 5 वोल्ट चाहिए और ये यूएसबी केबल होती है, हर एंड्रॉयड प्लेयर के साथ मिलती हैं। इसमें ये रेड वायर है, ये 5 वोल्ट है। ग्रीन वायर डेटा की होती है, ब्लैक नेगेटिव होती है और वाइट भी डेटा की होती है। तो हमें इस रेड वायर में से 5 वोल्ट देनी है। तो 5 वोल्ट देने के लिए हम इस रेड वायर को यहीं से छीन लेंगे। बहुत ही ध्यान से छीलिएगा क्योंकि बहुत नाजुक होती है। देखिए थोड़ी वायर नजर आने लगती है, ट्राई करेंगे इसे और छील लेना और यहीं से इसको सोल्डर करके 5 वोल्ट का करंट ले लीजिए।
पीछे क्योंकि हम यहीं से 5 वोल्ट का करंट लेंगे। ऐसी वायर ले लीजिए, होल्डर हो रखा हूँ। मर्ज करके और यहीं पे टांका लगा दीजिए। टांका लग गया है, तो गाइस ये हमारे मारुति की जो ओरिजिनल माइक की वायरिंग है वो ये है। इसमें ये 3 कलर आपको दिखेंगे, येलो, ब्लू एंड रेड। रेड में हमें 5 वोल्ट दे देनी है जो कि हमने यूएसबी के वहाँ से ली थी, और बाकी बची माइक की पॉजिटिव, तो ब्लू वाली माइक की पॉजिटिव और येलो माइक की ग्राउंड है। तो हमने ये वाली पिन्ने इसमें, ये जो हमने पिन्स बनाई थी ये भी इसमें घुसा देनी है। बीच सेंटर में हमें रेड घुसानी है, उसके बिल्कुल फर्स्ट वाली में हमें जो है ब्लैक घुसानी है ताकि ग्राउंड मिल सके, जो अपना माइक के लिए प्री एम्पलीफायर लगाया गया है उसको ग्राउंड मिल सके। तो मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो हमने इस तरीके से इसको टाई बेल्ट की मदद से अटैच कर दिया है और ये ऊपर से बिल्कुल सीधी रहेंगी। और ये वाइट वाली 5 वोल्ट है, रेड वाली माइक की पॉजिटिव है और ब्लैक वाली ग्राउंड है। तो हमारा जो कंपनी फिटेड ओएम माइक था वो इसमें वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा और हम ये वाला माइक अब निकाल देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।